दोस्तों जब भी क्रिकेट इतिहास की बात होती है और छक्कों की बात होती है तो युवराज सिंह के 6 बॉल में 6 छक्के का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है यानी कि 12 बॉलों में 50 रन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। मगर दोस्तों इस समय T10 का जो 5वां मैच खेला गया उसमें कमाल हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। इतने छक्के लगा डाले, 7 बॉल में 7 छक्के लगाने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो इस खिलाड़ी के बारे में कि T10 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बना दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप सभी को पता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों T10 का जो मुकाबला हुआ, 5वां मुकाबला हुआ, मराठा अरेबियंस वर्सेस दिल्ली बुल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों 7 बॉलों में 7 छक्के लगाने के बाद इवन लुइस ने रिकॉर्ड बना दिया। तो वहीं 16 बॉलों का सामना करते हुए इवन लुइस ने 55 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद ये बता दिया कि वो कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले मराठा अरेबियंस ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो मोसैद हुसैन ने बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 बॉलों का सामना करते हुए 35 रन की पारी खेली। तो वहीं जावेद अहमद ने भी 19 बॉलों का सामना करते हुए 24 रन की पारी खेली और इस तरीके से 10 ओवर में 4 विकेट गंवाने के बाद 87 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और अब दिल्ली बुल्स को 88 रन की दरकार थी जीतने के लिए। और दोस्तों दिल्ली बुल्स का जो पहला विकेट था वो 0 रन पे ही गिर गया। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बुल्स इस मुकाबले को हारने वाली है, पक्का इस मुकाबले को हार जाएगी। मगर दोस्तों किसी को क्या पता था कि मैदान में अभी तो इवन लुइस खड़े हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान में तूफान आया इवन लुइस का। इवन लुइस ने जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मात्र 16 बॉलों का सामना करते हुए 7 बॉलों में 7 छक्के की मदद से 55 रन की विस्फोटक और नाबाद पारी खेल डाली, जिस दौरान 2 चौके भी शामिल हैं। दोस्तों चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाया था इवन लुइस ने। उसके बाद दोस्तों जो 5वें ओवर की पहली गेंद थी उस पर भी एक और जोरदार छक्का लगा दिया और उसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर 2 रन लिए। तो वहीं 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगा दिया, चौथी गेंद पर भी एक और छक्का लगा दिया, जहाँ पर दोस्तों 5वीं गेंद थी वो खाली निकल गई और आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाने के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और दोस्तों इस मैच को दिल्ली बुल्स की टीम ने 5 रन से जीतने के बाद इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आप इवन लुइस को इस खतरनाक पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, इस खिलाड़ी को कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए UTV News 24।